हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रीटा कश्यप फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आंखों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसी पे बेस्ड है। बताऊँ कि कुछ एक मेडिसिन जो हेल्प करेगी आपके आंखों के नीचे के कालापन को दूर करने में, साथ ही कुछ एक होम रेमेडीज भी बताऊँगी जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिमूवल ऑफ डार्क सर्कल्स। तो सबसे पहले आंखों के नीचे का कालापन किस वजह से होता है, आप जैसे जानते हो हम मोस्टली सोचते हैं कि अब जब हम प्रॉपरली सोते नहीं है या प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थकान की वजह से हमें आंखों के नीचे जो है कालापन नज़र आता है। बट अदर भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं इनके। तो आंखों के नीचे कालेपन की वजह से हम जो है वो बहुत यंग एज में ओल्ड लुक नज़र देता है हमारे फेस को, यानी कि हम जो है बूढ़े से ओल्ड से नज़र आते हैं अगर हमारे आंखों की सराउंडिंग में कालापन आ जाए। तो कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले जो बात कॉजेज़ में है फैटीग है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा थकान हो गई हो, हम जो है प्रॉपरली जो है हमारा स्लीपिंग टाइम ठीक नहीं है, या तो हम 2 से 3 घंटे के लिए सो रहे हैं, हम सो ही नहीं रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप है वो कम है, उस वजह से भी हमारे आंखों के नीचे कालापन आ जाता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं तो हमारे जो सराउंडिंग आइज पे जो ब्लड वेसल रहती है वो डायलेट हो जाती है टू अक्यूमुलेट द लाइट ऑफ एटमोसफेयर। तो हमारी जो आईलिड्स आईलिड्स के आईज के सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, उस वजह से जो हमारे आंखों के नीचे कालापन दिखाई देता है। और इवन कभी कभी तो जो है हमारी आंखें भी सूज जाती है, पफी हो जाती है, आईज हमारे अंडर आईज में फ्लूड फिल हो जाता है, फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिस वजह से जो पफीनेस दिखाई देती है, सूजी लगती है आईज। तो सबसे मेन इनएडिक्युएट स्लीप, मीन्स कि अगर आप प्रॉपरली स्लीप जो सोते नहीं हैं प्रॉपरली, जो स्लीप ड्यूरेशन होती है 6 से 8 घंटे आपको सोना है, अगर आप जो ये ड्यूरेशन नहीं फॉलो करते हैं तो भी आपकी आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान की वजह से आपको कालापन दिखने को मिलता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, ओवर स्लीपिंग की वजह से भी आपको जो है काले घेरे हो सकते हैं। तो मेन कॉज ये जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है एजिंग की वजह से, अगर आप की एज बढ़ रही है तो बिकॉज ऑफ एज इंक्रीजिंग की वजह से जो है हमारी स्किन जो है अंडर आइज की वो थिन हो जाती है, जो फैट टिश्यूज़ है या कोलेजन टिश्यू जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी ब्लड वेसल वो इजिली दिखने लगती है, इस वजह से हमारी आंखों के नीचे ब्लू रिंग्स दिखाई देती है या काले घेरे जिसको हम बोलते हैं वो नज़र आते हैं। तो एजिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एलर्जी, किसी चीज़ की एलर्जी हो गई है आपको, अब कोई इचीनेस हो रही है, ड्राइनेस ऑफ आइज की वजह से आपको जो काले घेरे हो सकते हैं, इचिंग की वजह से जैसे आप बहुत बार बार स्क्रैच कर रहे हो आइज को, कोई एलर्जी होगी है, एलर्जी की वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा उसको, उसकी वजह से भी जो हमारी जो ब्लड वेसल है वो ज़्यादा डार्क होती है, डार्क जो ब्लड वेसल है, डार्क ब्लड है जो वेसल्स का वो इजिली देखने को मिलता है। तो एलर्जी की वजह से भी आपको जो है वो काले घेरे हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से अगर आपकी बॉडी में जो है वाटर का अमाउंट कम हो गया है उसकी वजह से भी आपको काले घेरे हो सकते हैं, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आप जैसे भी जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारा जो फेस है वो पेल सा नज़र आता है, बीमार सा मुरझाया हुआ सा फेस नज़र आता है, आंखें जो है अंदर को धंस जाती है, संकन सी अपियरेंस होती है फेस की, तो भी डार्क सर्कल्स होना बहुत कॉमन बात है। अगर आपकी बॉडी में कोई थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है, थायराइड की कुछ डिजीज चल रही है, तो भी आपको जो है काले घेरे हो सकते हैं। ट्रॉमा की वजह से कोई ट्रॉमा हो गया है आपके आईज की सराउंडिंग में, तो भी आपको काले घेरे हो सकते हैं। तो कुछ एक कॉमन कॉजेज स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अगर आप स्मोक करते हैं तो भी आपको जो है डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम इजिली देखने को मिल सकती है। और आजकल की बात करें तो आई स्ट्रेन की वजह से होती है। आई स्ट्रेन मीन्स कि आपने देखा होगा आजकल बहुत से लोग जो है कंटिन्यूसली जो है वो कंप्यूटर पर वर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, तो भी आपको काले घेरे हो सकते हैं। आप जब भी बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे या टीवी पे बैठे रहते हैं तो हमारी आईज जो है उस पर स्ट्रेन पड़ता है और हमारी आईज की सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल रहती है वो डायलेट हो जाती है, जिस वजह से जो है हमें पफिनेस भी नज़र आ सकती है और हमारी काले घेरे हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो आई स्ट्रेन आजकल बहुत कॉमन चीज़ है कॉज जो जो हमारी डार्क सर्कल्स को कॉज करती है।
तो आई स्ट्रेन भी एक बहुत बड़ा कॉज है डिहाइड्रेशन सन एक्सपोजर की वजह से। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताया, सन एक्सपोजर जब हम बहुत ज़्यादा सन से एक्सपोज रहती है हमारी स्किन, तो हमें मेलानिन की ओवर प्रोटेक्शन होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे अंडर आईज की स्किन का कालेपन को कॉज करने में। तो कुछ एक कॉजेस थे जिनकी वजह से जो है आपको कालापन हो जाता है अंडर आईज में या फिर स्किन के सराउंड आईज की सराउंडिंग में। बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन की, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो हेल्प करेगी आपके डार्क सर्कल को रिमूव करने में। बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की, फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप फॉस्फोरिक एसिड 30 यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है और आपकी जो फेस, आपका जो पूरा बॉडी का जो बिल्डअप है वो बहुत ज़्यादा वीक है, मीन्स की वीकनेस मार्क्ड है फॉस्फोरिक एसिड के पर्सन में। वीकनेस वो चाहे फिजिकल प्लेन में हो या मेंटल प्लेन में हो, वो मेंटली भी वीक हो सकता है पर्सन और फिजिकल प्लेन में भी आपको वीकनेस देखने को मिल जाएगी। पर्सन जो बहुत थका थका सा नजर आएगा, टायर्ड, फटीग, एग्जॉस्ट पर्सन होगा और ब्लू रिंग्स देखने को मिलेगी अराउंड आईज। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वीकनेस बिकॉज ऑफ सेक्शुअल एक्सेस की वजह से भी आपको फॉस्फोरिक एसिड में देखने को मिलती है। पेल फेस, बहुत वीकनेस के आपको सारे सिम्टम नजर आएंगे पेशेंट में, साथ ही साथ डार्क सर्कल्स के लिए आपको फॉस्फोरिक एसिड, बिकॉज ऑफ फैटिक अगर आपको डार्क सर्कल्स हुए तो फॉस्फोरिक एसिड 30 आप यूज कर सकते हैं। अनदर मेडिसिन फेरम मेट यूज कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स का एक कॉज एनीमिया भी है, अगर आपकी ब्लड की कमी है आपकी बॉडी में तो आपको उसकी वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, क्योंकि जब ब्लड ही प्रॉपर नहीं होगा हमारी बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो ढीली पड़ जाती है और हमें डार्क सर्कल देखने को मिलते हैं हमारी आईज में। ब्लड वेसल जो है, ब्लड का जो काला खून है वो इजिली नजर आता है अंडर आईज में, तो इस वजह से भी हमें डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो अगर आपको एनीमिया की वजह से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आप फेरम मेट यूज कीजिए। फेरम मेटोलिक कम यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। आपका फेस पेल है, आपको एनीमिया के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस है बॉडी में, तो उस कंडीशन में आप फेरमेट यूज कीजिए ब्लू रिंग अराउंड द आईज अलोंग विद एनीमिया। फेरमेट 30 यूज कर सकती है। अगर चिल्ड्रन में अगर आपकी बात बात करें, चिल्ड्रन में अगर आपको डार्क सर्कल देखने को मिल रहे हैं, बच्चा बहुत जिद्दी है, हमेशा रोता रहता है, बहुत ज़्यादा हटी है बच्चा, और साथ ही साथ उसको जो है वॉर्म की प्रॉब्लम है, वॉर्म इन्फेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा खाता है बच्चा लेकिन फिर भी शरीर को नहीं लगता है, और साथ ही साथ जो है फेस जो है बहुत ज़्यादा पेल है और वीकनेस के सिम्टम आ रहे हैं बच्चे में, साथ ही साथ जो उसको डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो आप सीना दे सकते हैं उसको। सीना 30 उस कंडीशन में आप यूज कीजिए। सीना 30 बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आपका बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेटेड है बच्चा, इरिटेबल है बच्चा और बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो आप सीना 30 यूज कीजिए। सीना 30 बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। काली फॉस दे सकते हैं आप, अगर आपको बिकॉज ऑफ स्ट्रेस बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं आप, बहुत ज्यादा सोचते विचारते रहते हैं, उस वजह से आपके आंखों के आसपास कालापन आ गया है, तो उस कंडीशन में काली फॉस बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। काली फॉस यूज कर सकते हैं आप। नेट्रम कार्ब यूज कर सकते हैं आप, नेट्रम कार्ब 30 यूज कर सकते हैं आप, अगर आप के आंखों में काले घेरे के साथ साथ जो है स्वेलिंग भी हो गई है, अंडर आईज में स्वेलिंग नजर आ रही है, तो आपको नेट्रम का बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। चाइना यूज कर सकते हैं आप, चाइना 30 यूज कर सकते हैं आप, अगर आपका जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो बिकॉज ऑफ रैपिड ब्लड लॉस, यानी कि अगर आपको अभी रिसेंटली कोई ट्रॉमा हुआ है आपके आईज के आसपास बॉडी में या कहीं पे भी कोई टिश्यू पैथोलॉजी चल रही है, तो उस कंडीशन में अगर आपके रैपिड ब्लड लॉस हुआ है, एकदम से आपका ब्लड कम हुआ है और उस वजह से आपको एनीमिया की वजह से एनीमिया हो गया है, एनीमिया की वजह से आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप चाइना 30 यूज़ कीजिए। चाइना 30 बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और आपको क्विकली डार्क सर्कल रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सीपीएल यूज कर सकती है लेडीज, अगर आपको विथ डार्क सर्कल्स आपको जो है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो सीपीएल भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, स्पेशली इन लेडीज अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है तब आप सीपीएल यूज कर सकते हैं। लाइकोपोडियम भी यूज कर सकते हैं। कुछ एक मेडिसिन है जो आप अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम को मैच करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी इन होम्योपैथी। बात करेंगे कुछ एक डाइट्स की, स्पेशली डाइट्स की, अगर आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से आपको एनीमिया हो रहा है, सॉरी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। डाइट की बात करें तो
आप वाइटामिन सी रिच, वाइटामिन सी रिच, वाइटामिन के या फिर ए रिच जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ कीजिए अपनी डाइट में, जिससे कि आपको अंदर से हील करने में, डार्क सर्कल्स को अंदर से रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप यूज़ कर सकते हैं टमाटर, टोमेटो आप यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो में लाइकोपिन होती है, एंटी ऑक्सीडेंट रिच होता है, इसको आप सैलेड में यूज़ कीजिए, आपको जो है ईजिली बहुत जल्दी बड़े क्विकली आपको अपने फेस पे, अपने आईज में की डार्क सर्कल में जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं, आप वाटरमेलन यूज़ कीजिए, वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी रहती है और साथ ही साथ जो है उसमें वाइटामिन सी रिच है, वो भी हेल्प करेगा आपके डार्क सर्कल को रिमूव करने में। कुकुम्बर आपने देखा होगा, कुकुम्बर के स्लाइस अप्लाई किए जाते हैं आइस को सूद करने में, रिलैक्स करने में, आइस को कूलिंग प्रॉपर्टीज देने में, तो आप जो कुकुम्बर अपनी डाइट में शामिल कीजिए वो भी हेल्प करेगा आपके डार्क सर्कल को इंटरनली रिमूव करने में। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, विटामिन सी रिच चीज़ें लीजिए, ग्रीन टी यूज़ कीजिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए, जो हेल्प करेगी आपको इंटरनली डार्क सर्कल को रिमूव करने में। सनी हर्बल्स की अंडर आई क्रीम आती है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, दो तीन तेल का विटामिन ई है उसमें, ऑलिव ऑयल है, आमंड ऑयल है, कुछ एक ऑयल्स है उसमें, उसको आप यूज़ कीजिए, रेगुलर अप्लाई कीजिए, स्पेशली एट नाइट यूज़ कीजिए, अराउंड आईज पे अप्लाई कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में। उसके साथ 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 आप टी बैग यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी बैग्स हो या फिर ब्लैक टी बैग्स हो, उसको अच्छे से 5 मिनट के लिए बॉइल्ड वाटर में डिप करके उसके बाद उसको जब कूल हो जाए तो उसको अपने आईज पे अप्लाई कीजिए, 10 से 20 मिनट लगे रहने दीजिए, उसके बाद वॉश कर दीजिए ठंडे पानी से, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आईज की जो डार्कनेस है उसको दूर करने में। तो ये कुछ एक चीज़ें जो आप ध्यान में रखिए अपने डाइट में, अपने जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स है वो कम कर दीजिए, वो चाहे कोक हो या फिर चाय, जो कैफिन वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड कीजिए, पानी का अमाउंट इंक्रीज कर दीजिए, 6 से 8, 8 से 10 गिलास आपने पानी पीने हैं दिन में। तो कुछ एक चीज़ें जो ध्यान में रखिए, उसकी वजह से आपके जो डार्क सर्कल्स है वो क्विकली रिमूव होंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम लेंगे डार्क सर्कल दूर होने में, रिमूव होने में, तो कुछ एक चीज़ें जो है रेगुलर यूज़ कीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।